बारे में बात करने जा रहा हूँ जहाँ फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी चूतिया ब्रीड हो, तुम स्टार बन सकते हो। जहाँ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे 2 पैर है या 4, तुम स्टार बन सकते हो। जहाँ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा स्वाद खट्टा या मीठा, तुम स्टार बन सकते हो। टिकटॉक 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 मेरी नाक का वो चूहा है जिसको मैं कितना ही सिनक लूं बाहर आने को राजी नहीं है। सारे को उंगली देकर बाहर निकालना पड़ता है। देखो ये बहुत ही अजीब वक्त है, सब घर में बंद पड़े और दुनिया की फटी हुई है, लेकिन इस वक्त में भी कुछ टिकटॉक की बेटियां जिन्हें जबरदस्ती पंगे लेने की चुल मच रही है। अब देखो मुझे कोई शौक नहीं है जिंदगी के बारे में, लेकिन जब खुद ही कोई झुक के खड़ा हो तो मैं इतना शरीफ नहीं हूँ कि कुछ ना करूँ। इससे मिलो ये है प्रोफेशनल टिकटॉकर आमिर सिद्दीकी। इसने ना YouTube के बारे में बहुत कुछ बोला है, तो आओ क्या अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी नहीं, बहुत तेज हो रहा है। शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। What's up everybody, that's your boy Amir Siddiqui live all the way from Mumbai। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग, भोसड़ी के अंदर से खोल के बता देंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगी। आप ये येलो डॉलर आया हुआ लेके हमारी वीडियो से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो और हमारे कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो, तो आपका कंटेंट तो क्रिंज इंटू 100 हो गया, क्रिंज इंटू 100 हो गया। तुम्हें अगर ना पता हो तो मैं 12वीं फेल हूँ और ये बेटी 6 साल मॉस्को पढ़ के आई है। अब अपन ग्रेजुएट होके भी 4थी फेल कैसे हो सकता है? ये क्या लॉजिक है? मतलब तू चूतिया, मैंने तेरे पे वीडियो बनाई तो मैं चूतिया इंटू 100। मोदी जी ऑपोजिशन के बारे में कह रहे तो मोदी जी ऑपोजिशन इंटू 100। पुलिस अगर चोर को पकड़ रही है तो पुलिस चोर इंटू 100। अब लॉकडाउन में बावड़ा हो गया क्या? हमारी कम्युनिटी वाले लोग को कंटेंट कॉपीराइट के बारे में नहीं पता रहेगा, लेकिन मेरे को अच्छे से पता है और आप लोग को भी अच्छे से पता है। हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं आपके चैनल के साथ और बहुत कुछ बिगड़ सकता है, लेकिन यार एक दूसरे को हमने तो बस इतना ही सिखाया कि एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो, प्यार करते चलो। मेरे को किसी से नफरत नहीं, हेट नहीं। ओ आप इस पास ही तेरी मेरी तेरी कहानी से आगे कहानी बढ़ती रही है तुम्हारी। नहीं तू एक काम कर, तुम्हें स्ट्राइक मार बहन चो, अभी तो खुद तू बैठे यहाँ पे, तू मार स्ट्राइक। पेड़ की डाली पे बैठ कर कटाई करोगे तो भोसड़ी पे खुद भी गिरोगे। हर विवेक ओबरॉय के लिए एक सलमान खान जरूर होता है, लेकिन यार हमें तो बस इतना सिखा सबको सपोर्ट करके चलो, किसी से नफरत नहीं, किसी को हेट नहीं। आप लोग की कम्युनिटी मैंने देखा है कि आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत झगड़े करते हो यार तुम लोग। सही बात है यार, हम कुत्तों की तरह लगते हैं। साला मेरे पे वीडियो काहे को बनाया रे तू? तेरी मां चोद देगा। मैं साला 2 लाख के सब्सक्राइबर मेरा समझता क्या रे अपने आप को? नहीं 10 वीडियो बनाएगा, पता क्या करेगा? इस ट्रैक भी बनाएगा, पता क्या करेगा? ए चाचा क्या रहो मनीष, हमें कुत्तों की तरह लड़ने की जरूरत नहीं है। After all, we are pussies. To say carrying a bat, let's make a duet instead. अगर आपके 3 कंटेंट है तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं, वही बात होती है। हाई रेंज के वीडियोस तो सब हाई रेंज के वीडियोस बनाएंगे, गोल्ड डिगर की टिकटॉक तो मेनली ये होता है वीडियो बनाएंगे, मतलब ढेर बनने वाले चाल करते रहते हो तुम लोग। और तुम जब हफ्तों को इंद्रधनुष निकलता है ना, चल ठीक है यार, टिकटॉक परियों का शहर, यूट्यूब शैतान का घर, मैं खुश हूँ। कम से कम हमारे साथ ये काम तो नहीं होते। एक और है, पहले अपने लौटे सामान लो फिर आना तुम यहाँ पे। हम जो टिकटॉकर्स की कम्युनिटी है ना, अगर कोई एक ट्रेंड आता है ना, हम लोग अगर कॉपी भी करते हैं ना, तो हम लोग कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते, हम लोग आईडी दे देते और सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। यूट्यूबर्स को इनसे सीखना चाहिए, अगली बार तुम्हें कोई कॉपी करे तो उसे उल्टा मत बोलो, ना 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 ना, बल्कि अपनी अगली वीडियो की उसे स्क्रिप्ट दे दो, सपोर्ट करो। अब बधे की नाल जब तक बोलोगे नहीं तो सुधार कैसे आएगा? लेकिन नहीं कंटेंट गया बात सुधारने, हमें तो सपोर्ट से मतलब है, सपोर्ट जरूरी है। अभी तुम्हारी इच्छा तो नहीं है बच्चों। और जहाँ तक रही बात हमारी कम्युनिटी की, तो हम लोग यूनिटी में रहते हैं हमेशा। हाँ बहुत यूनिटी है तुम में। इन्होंने ना टिकटॉकर्स की टीम बना रखी है। मैं मरने से पहले बस एक बार इनका घर देखना चाहता हूँ। हर कमरे में बहनचोद 2-3 एनिमे कैरेक्टर बैठे होंगे जिनका 3 ही जैसा शरीर है, मोमबत्ती जैसे बाल, कभी शाका-लाका बुम वाली पेंसिल लगते हैं भोसड़ी के। अब ये बोलेंगे यार तू बॉडी शेमिंग करके किसी को कुछ भी बोल रहा है, मोटे को मोटा ना बोले, पतले को पतला ना बोले, अंडा को अंडा ना बोले। ये वीडियो नहीं, एक्चुअली में ये पिक्चर है। मैं अजय नागर नहीं, अजय देवगन, ये जोटा नहीं, ये पापी गुड़िया है। बेटी जिंदगी लूनी टूट नहीं है कि जितना प्यारा दिन है उतने प्यारे हम। दुनिया मादरचोद थी, मादरचोद है, मादरचोद रहेगी। हेलो डॉलर मेरी दुनिया ना कहीं और जाके बसाइयो, मजाक को मजाक की तरह लिया करो। और अभी बताता हूँ मैं इतनी यूनिटी क्यों है तुम में। यार आज के टाइम पे अगर देखेंगे तो टिकटॉक पे ज्यादा ब्रांड है कम्पेयर टू यूट्यूब, तो यूट्यूब तो आप लोग डिमोटिवेट करके क्रिंज बोल के मतलब नहीं, क्योंकि ब्रांड्स बेवकूफ नहीं है यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। ऊपर से लेके नीचे तक भोसड़ी के बंडलों में बिकते हो तुम, तुम्हारी एक अकेले की कोई कीमत नहीं है। पता नहीं कौन से हुए में बैठे हैं, कभी यूनिटी दिखाने की ना जबरदस्ती जरूरत। मेनली व्यूअरशिप की वजह से होता है। और दुकान में लेके जाऊंगा 200 में बिक जाएगा। गाइस यार कोई बुरी मानने वाली बात नहीं है। आप लोग ने किया, हम लोग ने स्पोर्टिंगली लिया, तो अब आपकी बारी, आप लोग की सारी चीजें स्पोर्टिंगली लेना। अगर तुमने मजे में लिया होता तो तुम्हारे फोन नहीं आ रहे होते मुझे। आप है मिस्टर फैजू। फैजू वो फैजू कैसे कहते हैं? तुम्हारी बुद्धि कौन सी दिशा में चलती है? अबे तुम टिकटॉक से हो, अंडरवर्ल्ड से नहीं, तो तुम्हारे फोन से गांड फटेगी मेरी। और ये एजेंसी कौन फटता जो मेरा नंबर दे रहा है? तो तेरी नौकरी खा जाऊंगा मैं। और मैं जितने लोग वो यूट्यूबर्स हैं जो तुमको ट्रोल करते हैं, रोस्ट करते हैं, मैं जितने लोग वो यूट्यूबर्स बेटी तेरे शब्द अदर बदल गए, मैं जितने लोग वो यूट्यूबर 6 साल उसको पैसा बर्बाद पहन जितने लोग वो यूट्यूबर्स हैं जो तुमको ट्रोल करते हैं, रोस्ट करते हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि भाई हम लोग महीने के 3 कंटेंट नहीं बनाते, हम लोग दिन के 3 या 4 या 10 कंटेंट बना के पोस्ट करते हैं। तभी तुम्हारा दिमाग तुम्हारी वीडियोस की तरह स्लो मोशन में चलता है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि 9-10 वीडियो बनाने में तो पूरा दिन निकल जाता होगा ना। एक वीडियो को बनाने 5 मिनट लगते ज्यादा से ज्यादा। तुम दिन में 2 भी पोस्ट करते हो तो तुम्हारे 10 मिनट जाएंगे। ये है ट्रांजिशन वीडियो बनाने में 4 घंटे लग जाते हैं, मुझे तो लग जाते हैं बाकी ट्रांजिशन वीडियो बनाने में। मुझे नहीं पता सब स्लो नहीं पता मर चुका है। तुम्हें ये बकचोदी करने में 4 घंटे कैसे लग रहे हैं? अगला 3 दिन में पूरे साल के लिए सेट हो जाएगा। तुमसे ट्रांजिशन बहुत इजी है। बच्चों के हाथ में किसने दे दिया फोन? इंस्टाग्राम पे देखोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है, क्योंकि हम अपने इंस्टाग्राम पे ये बकचोदी नहीं करते। #fashion show, #fashion week, #cool, #be hearted, #gentleman, #skirt। ये होते सोशल मीडिया जो भी ट्रेंडिंग हैशटैग है। दीपक काला लगता मुझे। खैर इससे ही जानते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग क्या होती है। तो आज के टाइम पे ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बोलेंगे ना तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाएंगे, पैसे दिखाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े दिखाएंगे। ये एक्चुअल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जॉब ये नहीं होता है। तुम लोग पहले फैसला कर लो एग्जाम में कौन सी किताब पढ़ के जानी है। तुम्हारे सारे जवाब गलत होता है, नंबर आते नहीं, और फिर तुम पेपर भी छुपा देते हो। साबास। बेटी ये गली क्रिकेट नहीं है, यहाँ पे ट्रायल बॉल वाले बहाने नहीं चलते। एक्चुअली यार सारे टिकटॉकर्स को यूट्यूब पे आ जाना चाहिए और इनसे अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट करके ना इनको बताना चाहिए, इनका उधर से भी खत्म कर देना चाहिए। ऐसे लोग आते हैं पर अच्छा कंटेंट नहीं लाते। पर्सनली अगेन मेरे को कोई किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं इस भाषा में नहीं घुसूंगा कौन बेहतर है, जिसको जो देखना देखे, लेकिन अपनी कान में से फूल निकाल के अपने आपको जादूगर नहीं समझू ना मैं। चलो मैं तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ। सोचो मैं एक डांसर हूँ, ये 1 2 3 4 इसे अलग अलग करने में और साथ में करने में फर्क है ना। ये फ्रंट कैमरा में इतना घुस चुके हैं कि आईना देखना भूल गए। इस बेटी को जब कोई ऑनलाइन देखता और फिर असली में देखता है ना तो उसमें इतना फर्क है। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, नफरत नहीं है। एक्चुअली में हम यहाँ पर वर्चुअल सेक्स कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद इसके घर में रिश्ता लेके जाऊंगा। पैसे के पीछे और व्यूज के पीछे तुम भागते हो, हम लोग नहीं भागते। दिन में 10 वीडियो तुम डाल रहे हो और पैसे के पीछे हम भाग रहे हैं। आराम साथ की टिकटॉक पर 15 सेकंड नहीं 1 मिनट तक की वीडियो अपलोड हो सकती है, लेकिन क्या ये 1 मिनट की वीडियो बनाएंगे? अजी दंड मेरा 15 सेकंड की 4 वीडियो बना देंगे और फिर पैसे के पीछे कौन भाग रहा है? हम। व्यूज के पीछे कौन भाग रहा है? अभी ब्रांड एंडोर्समेंट्स की बात की थी हम। अरे यार इसकी शक्ल देखकर ना मुझे इस पर बहुत दया आती है, लेकिन जैसे ये मुँह खोलता ना बहनचोद इतना गुस्सा आ जाता है मुझे, मेरा मन करता है आकाश में जाकर फट जाऊं बहनचोद। हम लोग भागते हैं एक ही चीज के पीछे, दैट इज कंटेंट और प्यार, सपोर्ट, इज्जत। एक चीज और 4 दिन आ रहा है। हम लोग भागते हैं एक ही चीज के पीछे, कंटेंट और प्यार, सपोर्ट, इज्जत, व्यूज, लाइक्स, फॉलोअर्स। बाहर जा रहा है सारे 6 साल दोस्तों तूने। और रही बात कंटेंट के पीछे भागने की, ये जो तू गरीब बच्चों के साथ वीडियो डालता है बहुत अच्छी बात है, तुझे गर्व होना चाहिए, सबको करना चाहिए, लेकिन इसे मैं कंटेंट नहीं बोल सकता। अगर सिंपैथी पे चल रहे हो तुम वो किसी चक्कर में, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक सुन लो, ऐसा लग रहा है पहाड़ पे घोड़े भाग रहे हैं। एक्चुअली यार सारे टिकटॉकर्स को यूट्यूब पे आ जाना चाहिए और इनसे अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट करके ना इनको बताना चाहिए, इनका उधर से भी खत्म कर देना चाहिए। ऐसे लोग को ऐसे मारना चाहिए। बट यार पर्सनली अगेन मेरे को कोई किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई लव यू गाइस अ लॉट। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। बेटी जबरदस्ती भगवान का बंदा मत बन। जिनने कोशिश की आधे जेल में है। तो दैट इज अ कॉमन सेंस जो मैं बताने को एक्सप्लेन कर रहा था। ये क्या चंपा वर्ड्स खेल रहा है? दैट इज अ कॉमन सेंस जो मैं बताने को एक्सप्लेन कर रहा था। ओ भैया मॉस्को की ना बाकी चूते है, जितने लोग मॉस्को गए हुए हैं वापस आओ भाई, वापस आओ, वहाँ पर बुद्धि का सर्वनाश हो रहा है। अबे ये बच्चे है यार, मेरे को डर लग रहा है। मैं तो 2-4 चीजों फैजू मंजूर को रोस्ट कर रहे हो यार। इन लोग के ना कभी पास्ट में जाके देखो कि इन लोग क्या करते थे। इन लोग ना बहुत छोटी सी जगह से उठ के आज कितने ऊपर आए, इनकी मेहनत है। वो मेहनत तो गधा भी करता है, स्टार बना दे, स्टेज पे नचवा दे, मूवी प्रमोट करवा दे और फिर वो गधा कहेगा हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। दूसरों से पहले खुद की तो इज्जत करो। शायद आप लोग की वीडियोस नहीं दिख रही है इन लोग को, हम लोग की वीडियो ज्यादा दिख रही है, इसीलिए तो आप लोग रोस्ट कर रहे हो ना हम लोग, क्योंकि हम लोग ज्यादा दिख रहे हैं। अरे अंतरिक्ष अंदर इतना सच क्यों बोल रहा है? मैं बिग बॉस को रोस्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि सलमान भाई मुझसे ज्यादा दिखते हैं, मेरी गांड चलती है ना उनसे। लेकिन एक सेकंड और मेरे को मतलब बोल रहे की वी आर वेटिंग फॉर कैरी पिनाटी का वीडियो, लेट कैरी पिनाटी की रोस्ट आमिर सिद्धि की। ओके इट वुड बी अ लवली अपॉर्चुनिटी, कैरी पिनाटी मेरे को रोस्ट करेगा, मैं तो खुश हो जाऊंगा यार। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। ये क्या बोलिया ना कुछ, अब चूंकि चाली निकलनी चाहिए तुझमें से, वरना महाभारत और रामायण साथ में होगी। और असली गुस्सा तो मुझे तुम लोगों पे आ रहा है, इतनी हाइप बना दी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। क्या ये इतना झिला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इससे बढ़िया तो दिन का पूजा पे 2 वीडियो बना देता मैं, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। अंत में मैं बस यही कहूंगा टिकटॉक और कोरोना एक ही देश के बीच है, लेकिन ये आपसे फर्क नहीं पड़ता। देश में लोग बहुत कुछ कहते हैं, बहुत बैन है, तब भी लोग देख रहे हैं ना, तो इतना दिल पे लेने वाली क्या बात है। टिकटॉकर्स को मैं ये कहूंगा इतने घबराने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि उम्मीद करो कि तुम पे भी वीडियोस बने, चलना उससे ही कहते हैं। और यूट्यूबर्स को मैं कहना चाहूंगा गाइस दिस इज द राइट टाइम, देर किस बात की है, हमें भी टिकटॉक पे आ जाना चाहिए, मच के मचा देना चाहिए। मैं मजाक कर रहा हूँ, सारा पार्टी को बदल देना, वरना ना तो यहाँ के रहोगे ना वहाँ के। तुम प्यार समझो या धमकी वो तुम्हारे ऊपर है। इसी के साथ आज की मजबूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे 2 मिलियन चाहिए। पार हो गए, मैं कभी नहीं दूंगा। 8 हो गए, जितना इसमें चला मुझे चाहिए ही चाहिए। 3 मारो।